नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अगर आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है और आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। कहते हैं कि इतिहास जीतने वाले के हिसाब से लिखा जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हिटलर या दुर्योधन ने इतिहास में जीत दर्ज की होती तो क्या उन्हें सिकंदर, अशोक और अकबर की तरह महान नहीं माना जाता? इतिहास में गुड मुगल और बैड मुगल की बातें दर्ज है, चाहे वो कम्युनिस्ट हो या उससे पहले अंग्रेज। इतिहासकारों ने अपनी अपनी विचारधारा और सहूलियत के हिसाब से इतिहास को लिखा और व्याख्या की। आज हम आपको बाबर से जुड़ी कुछ बातें बताने वाले हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बाबर का नाम सुनकर आंखों के सामने एक अच्छे शासक की छवि सामने आती है। कहते हैं बाबर ने जिस मुगलिया सल्तनत की नींव हिंदुस्तान में रखी उसमें यहाँ पर कई चीजें बदली। मुगल ने कई चीजें दी, कुछ बाद में उनके नाम से जोड़ दी गई। चलिए इसी बहाने आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन मिथकों के बारे में जिनमें कहा जाता है कि मुगल नहीं होते तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। और इस कड़ी में सबसे पहले बाबर के बारे में जानना जरूरी है। बाबर हिंदुस्तान के प्रेम में डूबा था। बाबर के बारे में कहा जाता है कि उसने हिंदुस्तान के बारे में काफी कुछ अच्छा और बुरा दोनों लिखा है। उसमें हिंदुस्तान के बारे में क्या लिखा है सुनते जाइएगा। हिंदुस्तान दिलचस्प मुल्क है, यहाँ के लोग खूबसूरत नहीं हैं, सामाजिक ताना बाना भी बहुत समृद्ध नहीं है, लोगों में शायरी करने का हुनर नहीं है, तमीज तहजीब और बड़ा दिल नहीं है, कला और शिल्प में सही अनुपात नहीं है, अच्छे घोड़े मीट अंगूर तरबूज यहाँ नहीं होते, बाजारों में रोटी अच्छा खाना या बर्फ नहीं मिलती है, गुसल खाने और मदरसे नहीं हैं। बाबर ने हिंदुस्तान की दो चीजों की तारीफ खूब की है, पहली आम की और दूसरी हिंदुस्तान के पास मौजूद सोने की। दरअसल बाबर ने जो लिखा है वो उसके परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही है। समरकंद से आया एक आदमी एक बिल्कुल अलग भूगोल और समाज में पहुंच जाता है और अपने हिसाब से चीजों को लिखता है, उसको आज के समीकरणों के हिसाब से देखना गलत है। कहा जाता है कि मुगल ना होते तो हिंदुस्तान में खूबसूरत इमारतें ना होती, ये तर्क है या मिथ है कहना मुश्किल है, लेकिन हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मुगल ना होते तो लाल किला ना होता, ताजमहल ना होता, तमाम खूबसूरत इमारतें नहीं होती। कुछ हद तक बात सच भी है, मगर अंग्रेजों के अपने हिसाब से लिखे गए इतिहास और आजादी के बाद लंबे समय तक गोरों की लिखी हर बात की प्रमाणिक मानने की हमारी फितरत ने हिंदुस्तान की विरासत में तमाम चीजों का क्रेडिट छीन लिया। अगर ताजमहल नहीं होता तो भी अजंता अलोरा की गुफाएं, सांची की स्तूप, खजुराहो के मंदिर, दक्षिण के भव्य मंदिर, तंजोर की मूर्ति कला मौजूद होते, शेरशाह सूरी का ग्रेट ट्रंक रोड और मकबरा होता, बाजीपुर का गोल गुंबद होता, उड़ीसा के मंदिर होते, ऐसी तमाम चीजें हैं। कहते हैं बाबर ना होते तो तलीज बिरयानी ना होती। ये बिरयानी शब्द फारसी के बिरंज बिरिया से बना है, इसका अर्थ होता है तले हुए चावल। बिरयानी को आज के हिंदुस्तान की सबसे चर्चित डिश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिरयानी खिलाना तो एक राजनीतिक मुहावरा बन चुका है। मुगल चिकन बिरयानी के नाम हिंदुस्तान भर में ठेले से लगकर पांच सितारा तक कईयों की दुकानदारी चल रही है, मगर बिरयानी को मुगलों से जोड़ना गलत है। गौर करिए हिंदुस्तान में लखनवी और हैदराबादी बिरयानी सबसे पॉपुलर नाम है। आगरे या फतेहपुर सीकरी की बिरयानी आपने सुनी नहीं होगी। बाबर तुर्क था और बिरयानी फारसी खाना है। बाद में मुगल बादशाह पुलाव के शौकीन थे। वैसे बिरयानी की बात चली है तो बता दें कि बिरयानी का मुगलों के अलावा चावल से भी रिश्ता नहीं है। ईरान में रुमाली रोटी के संग रखे हुए मसालेदार भुने गोश्त के कॉम्बिनेशन को बिरयानी कहते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि आज मुगल खाने के नाम पर जो परोसा जा रहा है उसमें ज्यादातर मुगल है ही नहीं। मुगलाई के नाम पर जो कबाब और निहारी हम खा रहे हैं वो मुगल सल्तनत के बाद के दौर में नवाबों और जिम्मेदारों के यहाँ की इज्जत है। गंगा जमुनी तहजीब और उर्दू मुगल लाए, ये कितना सही है। गंगा जमुनी तहजीब का नाम आते ही अकबर का नाम जहन में आता है, मगर सूफीवाद उर्दू और गंगा जमुनी तहजीब जैसी चीजें हिंदुस्तान के बाबर के आने से पहले ही थी।
अमीर खुसरो बाबर ने कम से कम 250 से 300 साल पहले ही जिहाले मिस्किन मुकुल तगलफुल दुआए नैना बनाए बतिया लिखकर उर्दू की शुरुआत कर चुके थे। निजामुद्दीन औलिया भी खुसरो के समकालीन थे, जिनकी मज़ार को आज भी साझा हिंदू मुस्लिम विरासत का प्रतीक माना जाता है। तो अकबर जिस हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे थे, वो बादशाह सलामत की अपनी खोज नहीं थी। अकबर अपने से पहले मौजूद दरगाहों और मज़ारों की संस्कृति को बढ़ा रहे थे। कहते हैं मुगल पहले आए, यूरोपियन बाद में आए। वास्को डी गामा 1498 में हिंदुस्तान पहुंचा था, जबकि बाबर 1526 में हिंदुस्तान आया। तो इतिहास की इस धारणा को भूल जाइए कि मुगल पहले आए थे और यूरोपियन बाद में। तो फिर मुगलों ने दिया क्या? अगर कोई इस बात पर खुश हो कि मुगलों की हिंदुस्तान में कोई खास विरासत नहीं है, तो ये गलतफहमी है। अगर गौर करें तो देखेंगे हिंदुस्तान में अंग्रेजों की बनवाई हुई ज्यादातर इमारतें लाल रंग की होती हैं। जानकार बताते हैं कि इसके पीछे की वजह ज्यादातर मुगल इमारतों का लाल पत्थर का बना होना है। अंग्रेज हिंदुस्तान में गिनती में बहुत कम थे और मुगलों के अंदाज को अपनाकर जनता के मन में शासक वाली इमेज बनाए रखना चाहते थे। इसीलिए अंग्रेजों ने अपनी इमारतों में कई ऐसे पहलू शामिल किए जिनमें मुगल आर्किटेक्चर की झलक मिलती है। हिंदुस्तान में बंदूकों और तोप का इस्तेमाल सबसे पहले बाबर ने ही किया। बारूद के आने से पहले युद्ध करने का तरीका बदला। मुगलों ने शेर व शायरी को काफी बढ़ावा दिया। बाबर तुर्की में कविताएं लिखता था। अकबर ने ब्रजभाषा में छंद लिखे। रहीम तो अकबर के सेनापति थे। तुलसीदास ने खुद लिखा कि अकबर ने उनको मनसबदारी देने की पेशकश की थी। तुलसी अब क्या होइए नर के मनसबदार। इसके अलावा हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल गायिका मुगलों के समय में फली फूली। तबले और सितार की खोज खुसरो खान ने इसी दौर में की। मुगलों ने खूब सारे भाग भी बनवाए। कुल्फी और फलूदा को भी मुगलों ने मशहूर किया। इसके साथ ही खाने में फलों का चलन भी मुगलों के समय में बढ़ा। कुल मिलाकर बात यह है कि इतिहास को लिखते समय हर बार लिखने वाला जाने अनजाने अपने समय और सोच के हिसाब से मिलावट कर देता है। कल्पनाएं सच बन जाती है और सच मिथक लगने लगता है। पढ़ने वालों को चाहिए कि इतिहास को इतिहास ही रहने दे, हास्य की अति ना बना दे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।